है कि कैंटीन नहीं, कैंटीन होटल, जो होटल जेल में चलता है होटल में बिक्री ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए ये अब ये जो है इतना ये जेल में जो होटल चल रहा है ढाबा उसका खाना है। ये देखिए इसके सुपरविजन कौन कौन, ये सब्जी जो है ये 25 रुपये की सब्जी आ रही है। देखिए 5 लोग हैं, 25 रुपये की, 125 रुपये की 5 सब्जी खरीदे हैं हम लोग। ये आलू पराठा है जेल के होटल का, ये 25 रुपये में मिलता है। ये 100 रुपये में 4 पराठा खरीदा गया है। ये रसगुल्ला है, रसगुल्ला 20 रुपया एक पीस है। ये सकल ये चटनी है, ये चटनी देख लीजिए। और ये रसगुल्ला देख लीजिए पहले, ये रसगुल्ला देख लीजिए, ये 20 रुपये का एक पीस रसगुल्ला है। इसके अलावा यहाँ सिगरेट बीड़ी सब कुछ इसी तरह। हाँ आप भी खा लीजिए। अब ये जो है, अब आप देख सकते हैं ये गरीब कैसे खाएगा, टीबी हो जाएगा आदमी को। हाँ और यहाँ पे देखिए ये जो पराठा है 25 रुपये का, यहाँ 1100 बंदी हैं और 1100 बंदी में कम से कम 1000 बंदी ये पराठा खरीदते हैं। और समझ लीजिए कि 25,000 रुपया पर डे सुबह का कुल पराठा का बिक्री है। और ये रसगुल्ला जो रोज़ बिका बेचा जा रहा है 1000 पीस ये बिकता है, 20,000 रुपये का रोज़ रसगुल्ला मिल जाता है। ये खाना इसलिए देख रहे हैं, खाना जान उसके ख़राब कर दिया जाता है कि होटल का खाना जो जेल में होटल संचालित किया जा रहा है जेल प्रशासन द्वारा, हाँ वो खाना इनका बिकेगा, यही कहना है। आप लोग देख लीजिए अन्य जिलों की तो कैंटीन चल रही है, इस जेल में होटल। उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार है जो कि बदलाव की ओर कह रही है, लेकिन जेलें जो बदल नहीं रही हैं, जेलें उसी रवैये से चल रही हैं, भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है, पर जेलों में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, सुनवाई नहीं जेल में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इस तरीके से ये चीजें जो दिखा रहे हैं हम लोग, इसके बाद में हम लोगों की जो है ये चीजें जो हम लोग दिखा रहे हैं, इसके बाद में हम लोगों पे अत्याचार हो सकता है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जा सकता है, और कहिए तो हम लोगों की हत्या की जा सकती है। और ये रायबरेली जेल का है, ये लोग कमाई अच्छी कमाई उनका रोज 1,00,000 रुपये की बिक्री है, 80,000 से 1,00,000 रुपये की पर डे की बिक्री है टोटल। इसमें कैंटीन का हिस्सा रहता है भाई, कैंटीन सबका हिस्सा, पूरा जेल प्रशासन का हिस्सा है एड़ी से चोटी तक। नहीं तो इसमें मेन तो सुपरिटेंडेंट चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, जेलर चला रहे हैं, जेलर साहब पूरे जेलर साहब की देख रेख में सब काम हो रहा है। सुपरिटेंडेंट का क्या नाम है? सुपरिटेंडेंट का क्या नाम